हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, और वहाँ पे दिखाते हैं क्या क्या एडवेंचर होने वाले हैं, कैसे हम घूमेंगे, कितनी दूर है यहाँ से ऋषिकेश से। अभी हमें यहाँ पे ऋषिकेश में, और ऋषिकेश से जाएंगे नीलकंठ महादेव मंदिर, और दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे कैसे कैसे होंगे, क्या क्या दिखाई देगा हमें, और कैसे कैसे एडवेंचर राइड होगी। और सीधे चलते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर। और आज है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, और अभी हमने ले लिया जल। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये है हमारा गंगा जल। और सबसे पहले हम जाएंगे जल चढ़ाएंगे वहाँ पे, और चलते हैं सीधे टेम्पल पे, और मिलते हैं हम सीधे रास्ते में। हमारे सफर की शुरुआत हुई शिव जी की रैली से। उसके बाद हम निकल गए नीलकंठ के पैदल मार्ग पे, और उसके बाद हमें कुछ इस प्रकार का वाटरफॉल दिखाई दिया जो कि पानी रास्तों से गुजरता हुआ जा रहा था। उसके बाद हमने पैदल यात्रा करी, और अभी हमने शुरुआत कर दी नीलकंठ महादेव मंदिर की चढ़ाई की। और आप देख सकते हैं ये पीछे पीछे नीलकंठ महादेव मंदिर का रोड है, और पंबोले। और ऐसे रास्ते से गुजर कर आपको करीबन ऋषिकेश से नीलकंठ की दूरी 15 से 20 किलोमीटर की है, जो कि आपको पैदल यात्रा करके जाना होगा, जिसमें आपको 2 से 3 घंटे या फिर 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। आप पैदल यात्रा करके कुछ इन रास्तों से गुजर के आप जब आगे जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर और नई नई चीज़ दिखाई देंगी, और जिसमें आपको बेहद ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का नीलकंठ महादेव मंदिर का मार्ग दिखाई देगा। उसके बाद हम पहुँचे आगे, और धीरे धीरे आगे चलते चलते यहाँ के खूबसूरत नज़ारे लेते लेते हम आगे पहुँचे। और उसके बाद शंकर भगवान की, और उसके साथ साथ भीड़ में करीबन 3 से 4 घंटे लगने के बाद हमें कुछ इस प्रकार के लोग भी दिखाई दिए, जिनके कारण हमारा टाइम पास बेहद ही ज़्यादा आराम से हो गया था। बोले तेरी जय जयकार, बोले तेरी जय जयकार, बोल शंकर भगवान की जय। विश्व गुरु भारत माता की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। और उसके साथ साथ ये है नीलकंठ महादेव मंदिर के दिव्य दर्शन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में पब्लिक है और भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पर आज का दिन है शिवरात्रि का, और ये देख सकते हैं शिवरात्रि के दिन पर यहाँ पे नीलकंठ महादेव मंदिर में कितनी ज़्यादा पब्लिक है और भीड़ है, आप देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ रास्ते में आते वक्त हमने कुछ इस प्रकार से एंटरटेनमेंट भी किया, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव।